महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पकड़ी सांसद नवनीत राणा फिलहाल जेल में है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। जेल में रहते हुए नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और जेल में उनके साथ जाति के आधार पर गालियां देने और पानी तक न देने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मुझे 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूरी रात मैंने पुलिस स्टेशन में बिताई। मैंने पूरी रात पीने के लिए पानी मांगा लेकिन मुझे पानी तक नहीं दिया गया। मुझे हैरानी तब हुई जब पुलिस स्टाफ ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ, लिहाजा मुझे उस ग्लास में पानी नहीं देंगे। मुझे सीधे तौर पर जाति के आधार पर गाली दी गई और इस वजह से मुझे पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। मुझे रात को बाथरूम जाना था लेकिन पुलिस स्टाफ ने मेरी इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे गाली दी गई और कहा गया कि नीचे जात वालों को पुलिस स्टाफ अपना बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने देते। और भी कई सारी बातें पत्र में लिखी गई है, जैसे शिवसेना हिंदुत्व सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है, सार्वजनिक जनादेश को धोखा दिया गया है, जैसी बातें पत्र में लिखी गई है। इतने गंभीर आरोपों के बाद स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे से इस विषय पर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और बताया कि सांसद रवि राणा पानी मांग रही थी तो उन्हें बाकायदा चाय पिलाई गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद नवनीत राणा ने पत्र में जो बातें बताई गई है वो झूठ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नवनीत राणा चेयर पर बैठी है, उनके साथ उनके पति विधायक रवि राणा भी बैठे हैं और बाकायदा चाय का स्वाद ले रहे हैं। लेकिन सांसद नवनीत राणा खुद को जाति के आधार पर पानी के अधिकार से वंचित रखे जाने का आरोप लगा रही थी। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद कौन सी चिट्ठी नवनीत राणा स्पीकर को लिखेगी? मुंबई पुलिस जब सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को चाय पिला सकती है तो पानी पिलाने में उनका क्या परेशानी होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है, कौन इतना निर्दयी है यह जताने की फिलहाल होड़ मची हुई है। हमारे राजनेता हनुमान चालीसा पर झगड़ रहे हैं और यहां जनता महंगाई बेरोजगारी भुखमरी से बेहाल होती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर हनुमान भगवान भी कह रहे होंगे कि मेरी चालीसा के नाम पर आप अपना जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जनता को अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छी शिक्षा दो, उन्हें रोजगार दो और इंसानियत के काम आओ। सिर्फ मेरी चालीसा पढ़कर आप मुझे प्रसन्न नहीं कर पाओगे, मुझे प्रसन्न करने के लिए आपको जनता को सुखी करना होगा। धर्म की स्वतंत्रता हमें मिली है, यह हमारा निजी स्वतंत्र है कि हम किस धर्म या किस भगवान की उपासना करते हैं। आप किसी पर भी यह करने या वो मानने की जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है। लेकिन अगर ये बात हमारे सांसद और विधायकों को नहीं पता तो इससे बड़ा दुर्दैव हमारा और हमारे राजनीति का नहीं हो सकता। वही हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने के लिए किसी पर भी देशद्रोह का केस लगाना ये बिल्कुल सही नहीं है, ये मेरी निजी राय है, कानून इसमें अपना काम करे। महाराष्ट्र में कई सारे विषय है, सबसे बड़ा विषय आज महाराष्ट्र के किसान है। 2020 से 1 नवंबर 2021 तक 5036 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन महाराष्ट्र का कोई सांसद मुख्यमंत्री के दरवाजे नहीं गया कि आपके राज्य में 23 महीने में 5036 किसानों ने आत्महत्या क्यों की। यह सवाल किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है। महाराष्ट्र में पेट्रोल 120 रुपए पहुंच गया, इस सवाल को लेकर क्यों कोई सांसद मुख्यमंत्री का दरवाजा नहीं खटखटाता कि महाराष्ट्र राज्य में वैट इतना क्यों है, वो वैट क्यों कम नहीं कर रहे, सरकारी दवाखाने सरकारी स्कूल की हालत इतनी खस्ता क्यों है, ये सवाल क्यों कोई सांसद मुख्यमंत्री के दरवाजे जाकर नहीं पूछता। सबको पता है कि देश में महंगाई बेरोजगारी बड़े पेट्रोल के दामों से लोगों को भटकाने के लिए जो मुद्दे है ही नहीं उसे विषय बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है ताकि आप असल मुद्दों से भटकते रहे और हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर जैसे मुद्दों को चटकारे लेकर देखते रहे। मीडिया भी ऐसे मुद्दों को दिन भर दिखाकर टीआरपी लेता है और सरकार के आप जनता का रोष को थोड़ा कम कर देता है। आप समझ जाए कि धर्म जाति के नाम पर बस आपको उकसाने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। Space. Contact us 7770023222.